देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। बाल वाहिनी योजना 2017 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए अलवर में एक बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही पुलिस अन्वेषण भवन में आयोजित इस बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सुरेश खींची और शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस बैठक में RTO अनिल जैन ने हिदायत दी है कि स्कूलों में संचालित बाल वाहिनी में अक्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन नहीं किया जाए और साथ ही बाल वाहिनी योजना 2017 के अन्य सभी प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार द्वारा जून 2017 में पुरानी बाल वाहिनी योजना को सुपरसीड करते हुए नई बाल वाहिनी योजना लागू की गई थी। उसमें शर्तें लागू की हैं, उसमें 29 बिंदु हैं, तो उसके सफल क्रियान्वयन के बारे में एक मीटिंग आयोजित की गई है, इसमें जिसके अध्यक्ष श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और बाकी इसमें अन्य भागीदार हैं, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी हैं और सहायक अभियंता हैं और PWD के अधिकारी हैं, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं। इसका इसमें नई बाल वाहिनी योजना में सभी के दायित्व निर्धारित किए गए कि बाल वाहिनी योजना की क्या तो शर्तें होंगी।